हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। देखो भाई, इस कोरोना वायरस ने पता आप लोगों आप पे कभी आपके एग्जाम डिले करा रहा है, कभी बोल रहे ऑफलाइन होंगे, कभी ऑनलाइन होंगे। फिर लास्ट में फाइनल हो गया कि भाई आपके एग्जाम ओपन टेक्स्ट बुक होंगे। फिर उन एग्जाम को डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, फिर दोबारा 15-20 दिन आगे बढ़ा दिया था। अब जो है दिल्ली के CM और हमारे जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, इन्होंने कल प्रेस रिलीज की और साफ क्लियर बोला कि भाई चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो चाहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, उन दोनों के ही एग्जाम नहीं होंगे। क्लियर सुन लो, नहीं होंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के नाम IP यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बताई इन्होंने? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी बताई इन्होंने? DTA यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इन तीन यूनिवर्सिटी के अलावा तो उन्होंने टोटल अराउंड 12 यूनिवर्सिटी बताई जो टोटली दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उन सबके एग्जाम कैंसिल कर दिए उन्होंने, ठीक है, ओके। अब रही बात सर मेन मुद्दे पे, आओ दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या होगा। अब देखो भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी 100% दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में होती, नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी भले ही है उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन 100% दिल्ली यूनिवर्सिटी कंट्रोल में नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, उसमें HRD मिनिस्ट्री का इंटरफेयर है, तो ऐसे में उसके एग्जाम वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने अपील डाली है HRD मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर को कि भाई जैसे दिल्ली में हम लोगों ने एग्जाम कैंसिल कर दिए, उन लोगों को पास करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेस पे हो, चाहे इंटरनल असेसमेंट के बेस पे हो, किसी भी बेस पे हो, लेकिन कुल मिला के स्टूडेंट्स को क्लियर करो, पास करो, उन्हें डिग्री दो, उन्हें कोई फर्दर एडमिशन में प्रॉब्लम ना आए, उन्हें किसी जॉब के लिए फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर एंड HRD मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है कि भाई पूरे देश में सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम कैंसिल करके स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए। बेस कौन सा होगा मैंने बता दिया, किस बेस पे पास करने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। चलो सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्योंकि रीज़न तो वही है कि पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं हुई सेमेस्टर में, ना ही कोई बुक वगैरह भी अवेलेबल नहीं काफ़ी स्टूडेंट्स के पास, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है, है ना। तो सीधे आपके बार बार एग्जाम डिले हो रहे थे और फाइनली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने हाई कोर्ट में अपील डाली थी कि ऐसे पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेन यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी के साथ मेन प्रॉब्लम हो रही है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU, उन दोनों के साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि दोनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि भाई अगर CM लेटर लिख रहा है, उन्हें पता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है, तभी तो उन्होंने ऐसा लेटर लिखा है, तो 99% चांस कि एक्सेप्ट होगा लेटर। और एग्जाम लोगों को पता है कि डिले हो चुकी है पहले भी एक बार, तो हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।